मध्य प्रदेश में लंबे समय से आजीवन कारावास की सजा काट रहे 500 कैदियों को गांधी जयंती के दिन रिहा किया जाएगा। जेल मुख्यालय भोपाल से मिले आदेश के बाद अब प्रदेश की सभी 11 सेंट्रल जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों को रिहा किए जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। राज्य सरकार की अनुशंसा पर कैदियों को रिहा किया जाएगा। लगभग 500 बंदियों को इस बार छोड़ा जाएगा। सरकार पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को कैदियों को रिहा करती थी। आपको बता दें कि अब साल में 4 बार कैदियों को रिहा किया जाएगा। 2 अक्टूबर के अलावा अब 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर भी बंदियों को आजाद किया जाएगा। ग्वालियर सेंट्रल जेल ने भोपाल मुख्यालय को 95 बंदियों को रिहा करने का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। जितने बंदियों की स्वीकृति मिलेगी उन्हें रिहा किया जाएगा। राज्य में 15,000 से ज्यादा कैदी आजीवन कारावास वाले हैं। बताया गया कि कैसे आजीवन कारावास के बंदियों को यथासंभव कम समय में छोड़ने की बात और अन्य सजाओं के साथ जब उनकी सजाएं चलती थी उसमें कुछ अधिक सजाएं भुगतनी पड़ती थी, इसके अनुक्रम में पूरी शिथिलता बरतने के निर्देश प्राप्त हुए थे। इस पर राज्य सरकार ने अपनी नई नीति अभी घोषित की है, उसमें पहले वर्ष में सिर्फ 2 बार हम लोग रिहाई करते थे, 15 अगस्त और 26 जनवरी को।